आज ये सेवा कर रही है, ऐसा तो नहीं सिर्फ आप ब्लॉग में दिखाने के लिए सेवा कर रही है। ये अभी ना यहाँ पे बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी टाइप हो गई थी, अब यहाँ पे जो है भक्तों की भीड़ लग गई है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। रात का बजने जा रहा है 7। व्लॉग में आधा एडिट कर रहा था, आधा बीच में छोड़ दिया, बिकॉज गुनगुन को लेके जाना है थोड़ा काम से, तो वहाँ से आ जाएंगे, उसके बाद कहीं व्लॉग आ पाएगा। आज 8:30 या 9 बजे तक आज भी लेट, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ लेट हूँ, बट मजबूरी में लेट हो जाता है यार, क्योंकि घर के काम भी तो ज़रूरी है ना। तो जल्दी से गुनगुन दीदी को लेके जाते हैं बाइक पे, फिर आधा एक घंटे बाद आएंगे तभी व्लॉग आएगा हमारा। तो हम जा रहे हैं गुनगुन दीदी को लेके, और एनी और गुनगुन की यहाँ पे लड़ाई होती है क्योंकि गुनगुन ने स्कर्ट पहनी हुई है, स्कर्ट का ये जो कपड़ा होता है इसे काटने में बड़ी मजा आती है। बार बार जीप देखो कैसी निकाले हैं ये बदतमीज लड़की। फाइनली बैक होम, वो भी 8:41 पे। व्लॉग लंबा लटक गया आज, बहुत ज़्यादा लंबा, और अब मेरी आंखें भी हल्की बंद टाइप की हो रही है, बिकॉज बहुत देर से बाइक चला रहे हैं ना। तो देखते हैं अब बताने का वो पाएगा व्लॉग अपलोड। यार दिमाग खराब हो गया मेरा, सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा टाइम हो रहा है 9:40 एंड फाइनली व्लॉग आ चुका है। और इतनी देर में इंस्टाग्राम पे लोगों ने बाढ़ लगा दी मैसेजों की कि भाई आज व्लॉग नहीं आएगा, आज क्या व्लॉग छोड़ रहे हो, डेली व्लॉग बंद कर रहे हो, ये वो। नहीं यार, जब तक है जान तब तक व्लॉग आएगा, भले लेट हो जाएगा। मेरे से ना कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपका टाइमिंग तो 8 बजे लेकिन आपका व्लॉग कभी कभी 9:10 बजे आता है, मेरे में नोटिफिकेशन 9:10 बजे आती है। तो भाई वो नोटिफिकेशन 9:10 बजे नहीं आती है, वो लेट हो ही जाता है कभी कभी, जब बिजी होते ना तो लेट हो जाता है, इसी वजह से आज भी थोड़ा सा लेट हो गया। बट जैसे व्लॉग लाइव हुआ भाई, 1 मिनट नहीं हुआ और उस पर कुछ अभी 35 या 40 मतलब की व्यूज आ चुके हैं, मतलब इतने लोग इसे देखने के लिए बैठे थे ना। तो व्लॉग लाइव हो चुका है, आप लोग इसे एंजॉय करें। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना भी हम अपना ऊपर ले आए हैं, रोटी पनीर चावल एंड ये नींबू है अपने किचन गार्डन का, और अपना व्लॉग देखते देखते अब इसको खाएंगे हम। बहुत जोरों की भूख लगी है यार, सच बता रहा। तो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। बज रहा है सुबह का 7:30 और हम सो रहे थे। हमने सोचा यार कोई हमें बुलाने नहीं आया, आज तो मैं सदरपुर सुबह सुबह निकलना था। वैसे तो घर में सब कह जाते हैं कि सुबह सुबह जल्दी निकल चलेंगे। मेरे अलार्म भी लगे तो मैं 7 बजे उठा, मैं फिर सो गया जब कोई बुलाने नहीं आया। तो अभी मैंने अपने आप आके खोली, वरना बाद में यही कहेंगे आज तो जाना था तब भी तुम नहीं उठे। तो इधर से भी घर वाले डांटेंगे, उधर से भी डांटेंगे, अब ये नहीं देखेंगे कोई बुलाने नहीं आया। बट हम अपने आप उठ चुके हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, देखो कब तक निकलेंगे सदरपुर के लिए भैया जी। और भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। एसी जो है रात में बंद कर देते हैं वही 3-4 बजे तरफ, तो अब 3-4 बजे तरफ मतलब ठंडा लगता है थोड़ा बहुत 5 या 6 बजे तक, लेकिन उसके बाद 6 बजे के बाद धूप आ जाती है फिर से, और इतना गर्म लगता है ना, मेरा पूरी टी शर्ट के अंदर अभी पसीना ही पसीना हो रखा है। वैसे यार जो था सुबह सुबह ठंडा लगता है, बट अब की बार सुबह सुबह ठंडा नहीं लगता, सुबह सुबह भी गर्मी गर्म लगता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। टाइम होने जा रहा है 10:12 एंड हम ना तैयार हो गए, और अभी ना पूरा प्लान कैंसिल ही हो गया था, बिकॉज अभी ना यहाँ पे बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी टाइप हो गई थी। मेरी गुनगुन मामी अम्मी सबकी गुनगुन हो रही थी, मुझे जाना है। और रिया दीदी ने बुलाया भी उसको बहुत है, बट उसकी यार कोचिंग चल रही है, वो वैसे छूट जाएगी ना तभी, तो बहुत बुरी कंट्रोवर्सी हुई है, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता आपको। फिलहाल सब कुछ सही हुआ है, वैसे पता है मेरा तो प्लान बिल्कुल कैंसिल हो गया था, बट द थिंग इज़ फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, तो चलो भाई चलते हैं। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। फिलहाल अपनी बाइक निकाल लें, हेलमेट लगा लिया है, निकलना है, 1 घंटा तक लगेगा रास्ते में, तो व्लॉग ऑफ तो कुछ शूट नहीं हो पाएगा, वहीं चल के हम व्लॉग शूट करेंगे। और हमने ना एक तरीका ढूंढ लिया है मोटो व्लॉगिंग करने का, तो वो अभी हम आपको जल्दी बताएंगे। वो चीज़ ना ऑर्डर करनी पड़ेगी, फिर आराम से मोटो व्लॉगिंग हो सकती है। जय भोले बाबा की, कहीं भी जाने से पहले भोले बाबा के पास चलते हैं। यहाँ पे रोवा पटान मचा हुआ है, कंट्रोवर्सी हम आपको अच्छे से बाद में बताएंगे। अब आज ज़्यादा कर रहे हैं, हम भी चलेंगे। चलो ना बस से, चलो बस से, अरे चलो यार जल्दी चलो। बहुत लेट हो गया, बहुत बुरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बाद में बताएंगे। फाइनली गाइस 40 मिनट की राइड के बाद हम सदरपुर पहुंच चुके हैं, और मामी के हाथ में गिफ्ट है। ये एक्चुअली गिफ्ट आप लोगों को पता चल रहा होगा क्या है, बड़ी मुश्किल से लेके आए, और भाई हालत ख़राब हो गई। इस समय ज़्यादा धूप है, जब घर से निकले थे तब ज़्यादा धूप नहीं थी, कहो अच्छा रहा जल्दी निकला है, वरना अगर इस समय तरफ निकले होते ना हालत ख़राब हो जाती। फिलहाल मेरा गला बहुत ही ज़्यादा सूख रहा है, एंड सदरपुर में ना जगह जगह पे भंडारे भी हो रहे हैं। एक भंडारा तो शायद समर दादा और उनके दोस्तों ने भी कराया है आगे मंदिर पे, पर फिलहाल अंदर चलते हैं, मामा जी की एनिवर्सरी उन्हें विश करते हैं, साथ में रिया दीदी को मिलता हूँ। पता मैं बैग ऐसे ले आया था, बैग आगे रखा था बिकॉज मामी वो गिफ्ट पकड़े हुई थी ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो बाइक को छांव में खड़ी कर देते हैं। और भाई इंजन इसका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है भाई, पैर जलने लगता है समझ लो। ये चक्कर है यार, कौन आया है हमें गेट पे क्या बोलते हैं स्वागत करने के लिए, और दीदी का आते आते सवाल उनको नहीं लाए। बहुत बड़ी घर में कंट्रोवर्सी हो गई, पता बहुत लड़ाई हुई है घर में।
लड़ाई होगी तो काहे लाते, अभी बात पूरी बात बता रहे, रुको पहले बाइक खड़ी कर ले। तो फाइनली गाइस हम लोग गाइस के यहाँ पहुँच चुके हैं। एक गाइस तो अभी घर पे हैं और एक गाइस जो है वहाँ भंडारे पे। एक्चुअली आज ना मंगल है और वो भी लास्ट मंगल है, तो वहाँ भंडारे पे भी वहाँ जाएंगे। और ये हमारी यहाँ की गौ माता है, इनका नाम भूल गए, पिल्लू। इनका नाम पिल्लू, इनका लालू, और उनका श्यामा, और सबसे लास्ट वाली का सुंदरी। वाह, सुंदरी श्यामा, इन दोनों का भूल गया फिर से। और उसका लालू पिल्लू, और वो जो है उधर खड़ा डोलू। ये गाय साफ सुथरी कितनी ज्यादा है, बहुत अच्छे से साफ सुथरी रखते हैं सामद भैया दीदी। कितनी प्यारी लग रही, मतलब बिल्कुल गंदी है ही नहीं, बिल्कुल साफ है। अच्छा कपड़े वाले बुरे से नहीं लाया जाता है। यहाँ पे हमारी दीदी सेवा करती हुई गायों की, लखनऊ में रह के पढ़ती है, आज ही सेवा कर रही है। ऐसा तो नहीं सिर्फ आप व्लॉग में दिखाने के लिए सेवा कर रही है, ये कभी कभी गौ सेवा में कर देती हूँ। बाकी मुझे गौ माताएं तो आराम से अपना भोजन कर ही रही हैं, और साथ में मामी जी हमारे लिए ले आई हैं गर्मा गर्म जलेबी, तो चलो इनको भी खाते हैं हम। तो घर पे अभी हमें सेवा से मामी मिली हैं, मामा भी मिल चुके हैं बट अभी हो गए हुए हैं कहीं बाहर, और हम जा रहे हैं समर्थ भैया से मिलने के लिए जहाँ पे है भंडारा पास ही में मंदिर, उधर ही साइड है भंडारा। तो यार भंडारे में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये चेक करें आप, हमारे सैम भैया आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सैम भैया तो उधर बैठे हैं, यहाँ पे मस्त जोरों शोरों से भंडारा चल रहा है, पूरे गाँव गाँव के लोग खाने आ रहे हैं भाई भंडारे में। यहाँ है छोले चावल के साथ साथ पूरी सब्जी भी है, बट फिलहाल तो यहाँ पे छोले चावल चल रहे हैं। और ये है इस समय यहाँ का किचन जहाँ पे सारा भंडारे के लिए सामान बन रहा है, जैसे कि अभी इसमें बन रहे हैं खूब सारे चावल। और चावल भी भाई साहब मस्त क्वालिटी के हैं, बासमती वाले, मस्त भंडारा चल रहा है। अभी तक तो मैंने नहीं खाया है, जब ये बन जाएगा ना बैच उसके बाद खाएंगे। अभी ना प्रसाद बन के आया है और यहाँ पे जो है भक्तों की भीड़ लग गई है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। यहाँ पे तो सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया बना प्रसाद है, टेस्टी है, मजा आ रही। पेड़ में घुस के हम भी अपने लिए ले आए हैं प्रसाद, तो चलो भाई हम भी ग्रहण करते हैं। इतने ज्यादा टेस्टी थे छोले चावल की हम आपको क्या बताएं। फिलहाल यहाँ पे और चावल बना है, उधर ना सब्जी भी बनने लगी है। छोले चावल का भंडारा तो चल ही रहा है और अब साथ में चलेगा पूरी सब्जी वाला भी, तो दोनों भंडारे और बहुत ही मस्त सब्जी। सोचो यहाँ पे ना बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी बनती है भंडारों में, और तब भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। पूरा सदरपुर गांव जो है भाई यहाँ पे आके खा चुका है भंडारा पर। ये जो भंडारा है नॉन स्टॉप चलेगा, अपन एक घंटा तक आराम से भंडारा में रहे, भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। फिलहाल हम घर आ गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन पता है ये जो गांव है ना, मेरे को गांव लगता नहीं, बिकॉज हर घर में एसी है, हर घर में कूलर है, हर घर में फ्रिज है। मतलब इस गांव में हर एक चीज़ है, मतलब बिल्कुल शहर वाला फील आता है। हम तो कहेंगे जितना लोग यहाँ शहर में भी नहीं होता है ना, उतना यहाँ के गाँवों के घर में है। फिर अभी घर पहुँचे थे सदरपुर में, लेकिन उसके बाद अभी हम आए हैं मल्लावा है, जो कि वही सदरपुर से शायद 14-15 किलोमीटर है। बिकॉज मामी की एनिवर्सरी है ना, तो वही बेकरी आए थे केक लेने के लिए। कल भैया ने ऑर्डर किया तो भाई हालत ख़राब हो गई, मैं तो पूरा अंगोछा जो था ऐसे लपेट के आया था, पर तब भी यार हालत ख़राब हो गई। रोड पे इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे गांव वाले, मैं तो सोच रहा था इतनी गर्मी में ये लोग कर कैसे लेते हैं यार। तो यार ये रहा अपना एनिवर्सरी केक जो कि दिया था समर भैया ने ऑर्डर। यार देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना ये। यार केक तो हमारा फाइनली बन चुका है और अभी फिलहाल लेने जा रहे हैं आइसक्रीम। और पता है यहाँ से सदरपुर भाई ऑलमोस्टली 15 किलोमीटर है, तो पिघल ना जाए अपनी आइसक्रीम अब ले रहे हैं, बिकॉज और कहीं तो मिलेगी नहीं, यही मल्लावा में ही मिलेगी। तो एनिवर्सरी की सारी सामग्री हमने ले ली है मल्लावा में, अब बस इसे सदरपुर लेके जाना है जिसमें हालत ख़राब हो सकती है, बिकॉज 20-25 मिनट में केक भी ख़राब हो सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है ना। बस दुआ करते हैं कि कुछ ख़राब ना हो और हम लोग सही सलामत लेके सारा सामान पहुँच जाए सदरपुर तक। भाई फाइनली घर पहुँच गए 10 मिनट के अंदर, वही 12-13 किलोमीटर बड़ी मस्त तेज बाइक चलाई है। रिया दीदी कहाँ है रिया दीदी? सो यार फाइनली घर पहुंच गए केक लेके, और अच्छी बात यह है कि केक पिघला नहीं, वरना हम लोग को डर लग रहा था केक पूरा डैमेज हो जाएगा, बिकॉज बिल्कुल ताज़ा ही ताज़ा केक बनाया था ना। तो अभी से दीदी आप फ्रीजर में रख दीजिए कहीं पे, बच गया केक। सदरपुर पहुंचे थे, वहां पे केक रखा। तो अभी समय है हम मल्लावा में, मल्लावा में थोड़ी बहुत और शॉपिंग करने आए थे। मल्लावा की मार्केट में बैठे हुए हैं, ज़्यादा सामान वामान ले रहे हैं।
तो फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी सब आप लोग अगले व्लॉग में देखिएगा। अभी मामा मामा की हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे एंड आज हम लोग सदरपुर में रुकेंगे और जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी ना वो हम आपको भी अगले व्लॉग में बताएंगे बिकॉज ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और आज ना वैसे हम लोग को हरदोई निकल जाना था, कुछ ऐसा हुआ था, बट अभी हम आज सदरपुर में स्टे कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी ही कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।